हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दिवाली फ़ोटो एडिटिंग करने से पहले, अगर मेरे चैनल में आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले बैकग्राउंड को शेयर करना है पिकार्ट एप्लीकेशन पे। पिकार्ट में शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एड फोटो का ऑप्शन, इसमें आप लोग को टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपली आपको अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको साइज को कुछ इस टाइप से यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करना है। टैप करने के बाद फिर से आपको ऐड फ़ोटो पे जाना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ से इस वाले पीएनजी को ऐड करना है। इस वाले पीएनजी को ऐड करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ इस टाइप से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे टैप करके ऐड वाले फ़ोटो पे जाना है। ऐड वाले फ़ोटो पे आने के बाद आपको यहाँ से एक पीएनजी मिल जाएगा, ये वाला, इसको ऐड करना है आप लोग को। ऐड करने के बाद इसको बड़ा करके आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट करना। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इरेजर वाला ऑप्शन। इरेजर वाले ऑप्शन पे टैप करके आप लोग को यहाँ से इसका साइज को कुछ इस टाइप बढ़ा के आपको साइड इरेज कर देना है, कुछ इस टाइप से। इरेज करने के बाद आप लोग को यहाँ से डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे टैप करके ऐड फोटो पे जाना है। तो ऐड करने के बाद आपको कुछ इसको छोटा करके कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है, एंड इस वाले पीएनजी को भी छोटा करके यहाँ पे रखना है। और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें टैप करके इसका कलर को थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि फ़ोटो थोड़ा एचडी लगे मेरा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है और यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको फिर से यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आपको इस वाले पीएनजी को ऐड करना है। इस वाले पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आपको ब्लेंड वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें टैप करके आपको सिंपली यहाँ से स्क्रीन वाले पे टैप करना है और यहाँ कुछ अपने सर के पीछे लगाना है। तो यहाँ लगाने के बाद यहाँ से आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इसमें टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मूव डाउन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मूव डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग को टैप करना है।
टेप करने के बाद ये फ़ोटो मेरा पीछे की ओर चला जाएगा, वाले फ़ोटो पे जाना है। एड फोटो पे जाना है और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आके स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से फ़ोटो को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है। इरेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे इसका हार्डनेस को माइनस रखना है, एंड साइज को बड़ा करके यहाँ पे ऊपर की ओर इरेज कर देना है। कुछ इस टाइप से इरेज करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। तो देख सकते हैं फोटो हमारा हो चुका है रेडी, जो कि काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है देखने में और फुल HD क्वालिटी में बना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।